जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है और अभी काफ़ी सारे केसेस हमारे कंट्री में भी आ गए हैं और सबको काफ़ी डर है कि उनको कोरोना वायरस ना हो जाए, जो कि थोड़ा पैनिक है ज़्यादा लोगों के ऊपर। और आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा टीवी पे, रेडियो पे, कि क्या क्या प्रिकॉशंस एक अपने आप को लेना चाहिए ताकि कोरोना वायरस आप अवॉइड कर सकें। मैं अभी कुछ बताना चाहूँगा जो कि हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। जैसे आपको मालूम होगा कि मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस इन्फेक्शन में ज़्यादा नहीं है, 3% है, बट ये मोर्टेलिटी रेट जनरल मोर्टेलिटी रेट है। और कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में, जैसे कि हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हों, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हों, लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हों, इनके अंदर मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल से। तो इसलिए हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं और या जिनको अन्य बीमारियाँ हैं, इनके लिए तो मैं कहूँगा कि अगर जब तक कोरोना वायरस का काम सेटल नहीं हो जाता तो आप कोई भी नॉन असेंशियल ट्रैवल जो है उसको अवॉइड करें। इवन घर से बाहर निकलना हो कोई शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, अनलेस ये बहुत ही ज़रूरी है और आप ही अकेले आदमी हैं जो करना कर सकते हैं, तभी आप जाएं। और तब जब बाहर जाएं तो यूजुअल कोरोना वायरस का जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें अच्छी तरह, एंड अपने आप का ध्यान रखें ताकि आपको कोरोना वायरस ना हो। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मास्क को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि किस तरीके के मास्क लगाने चाहिए। ये N95 वाले जो महंगे वाले मास्क हैं उसकी जरूरत नहीं है, जो रेगुलर मास्क होते हैं, सर्जिकल मास्क जिसको हम बोलते हैं, वो काफी है। बिकॉज एक तो कोरोना वायरस का डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल ज़्यादा नहीं है और ये मास्क काफ़ी है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कम, अनलेस कोई एकदम आके मुंह के सामने ही खांसे, लेकिन जो उसने पहले खांसा हुआ हो और जिस जगह पे वो गिरा है ड्रॉपलेट्स, जैसे कोई सरफेस हो, टेबल का, कुर्सी का, कोई मैगजीन हो, तो आप उसको बाद में आके आपने हाथ लगाया और वो हाथ आपने अपने मुंह नाक या पे लगाया, तब इन्फेक्शन होता है जिसको हम फोमाइट्स बोलते हैं। इसलिए मास्क पहनने का एक और फायदा भी होता है कि आप अपने हाथ से अननेसेसरली मुंह में और नाक में हाथ नहीं डाल सकते, तो ये भी एक फायदा होता है। और नॉर्मल सर्जिकल मास्क इसके लिए काफ़ी है। वायरस को आपके हाथों को क्लीन रखना बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है और बेस्ट क्लीनिंग मेथड है सोप एंड वाटर, जो आप साबुन से अपना हाथ धोते हैं और वो सबसे बेस्ट है वायरस को किल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर, सोप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वायरस को डिग्रेड कर देती हैं। लेकिन हर वक्त सोप एंड वाटर से हाथ धोना मुमकिन नहीं होता, ये कई ऐसी जगह में आप चल रहे हैं, तो उसके लिए हैंड सैनिटाइजर जिनमें कम से कम 60% अल्कोहल हो आर द बेस्ट। तो ये हैंड सैनिटाइजर्स आपके पास रहने चाहिए, आजकल तो जगह जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी पड़े होते हैं, और एक आदत सी बन जानी चाहिए कि रेगुलरली आप अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ़ करके।